मेवात जिले में बड़े पैमाने पर हो रही होम डिलीवरी को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग नुह अब निजी अस्पताल चला रहे डॉक्टरों की मदद लेगा। अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर एवं महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका यादव ने प्राइवेट डॉक्टरों की बैठक बुलाकर परिवार कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ संस्था का डिलीवरी में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के साथ साथ संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देने के बनाए रखने के लिए कॉफी मग व पंपलेट इत्यादि देकर प्राइवेट डॉक्टरों से हर संभव मदद की बात कही। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवी ने कहा है कि होम डिलीवरी की बड़ी संख्या है। डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला खतरे में होती है और कई बार मौत तक हो जाती है। डिलीवरी के दौरान सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। डिलीवरी के दौरान इन्फेक्शन फैलने, स्वच्छता उपकरणों का, गर्भवती महिलाओं की जांच व दवाई का ख्याल रखें। डिलीवरी के बाद डाटा अपलोड करने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें ताकि अच्छे नतीजे सामने आ सकें। अक्सर देखा गया है कि जन्म का डाटा निजी क्लिनिक अपलोड कम करते हैं। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका यादव ने कहा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए पहले भी प्राइवेट डॉक्टरों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। इसलिए जिले भर में तकरीबन 40-50 प्राइवेट डॉक्टर जिनका स्वास्थ्य विभाग के पास डाटा है, उनकी बैठक बुलाई गई है। कोरोना का ख्याल रखते हुए संस्थागत डिलीवरी के साथ साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी साथ लेकर चलें। डिलीवरी की संख्या प्राइवेट डॉक्टरों के पास अच्छी है। सालाना 25,000 से 30,000 डिलीवरी होती है। जिले में शिशु मृत्यु दर को भी रोका जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बाद लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख नहीं करते। मोनिका यादव ने कहा है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि सुरक्षित संबंध बनाएं ताकि HIV, हेपेटाइटिस आदि सहित कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सके। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि मेवात में हमारा MMR काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे डिलीवरीज से रिलेटेड भी हमें दिक्कत आती है कि वो होम डिलीवरीज इतनी क्यों हो रही हैं। और दूसरी चीज़ थी कि जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है जो कि मेवात में बहुत ही मतलब ना के ही बराबर है, तो इन सब विषयों पे डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया गया है। और जैसे करीब करीब हमारे पास झिरका से 8 से 10 लोग, तावड़ू से 15 से 20 लोग, नुहू में 6-7 लोग हैं और पुनहाना में 10 से 15 लोग हैं जिनका अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो इनकी पहले भी एक बार मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उससे फिर रिपोर्टिंग हमारी अभी तक ठीक से हो नहीं पाई, इसीलिए इनको अभी दोबारा बुलाया गया है ताकि इनके साथ अभी जैसे कोविड को देखते हुए भी कि ये पूरे प्रिकॉशंस लेके डिलीवरी कराएँ कोविड के भी, ताकि कोई दिक्कत बाद में फैलने, बीमारी ज़्यादा ना फैले। दूसरा चीज़ है, जैसे इनको पहले दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी अपने साथ लेकर चलें, बिकॉज इनके यहाँ पे अगर सारा टोटल मिलाया जाए तो महीने की 5 से 10 हज़ार डिलीवरीज होती हैं, कहीं पे 200 से 250 भी हैं, कहीं पे 5 से 10 हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट इनके पास डिलीवरीज अच्छी हैं। तो और यहाँ पे परिवार कल्याण कार्यक्रम सरकार बहुत इसमें कर रही है अपनी तरफ से, हमने अपनी सारी सरकारी संस्थाओं पर ये सेवाएं दी हुई हैं, बट अगर इनका भी साथ हो जाता है तो जो डिलीवरीज जो साल की 25 से 30 हज़ार के लगभग बनती हैं इनकी सारी डिलीवरीज, उनको भी अगर हम कवर करते चलें तो इसमें माँ की जो मृत्यु दर है बच्चों में जो गैप नहीं हो पाता है, उस चीज़ को हम एक बेहतरी से पूरा कर पाएंगे। और क्योंकि वो जो प्राइवेट में लोग जाते हैं वो सरकारी तो फिर आते ही नहीं है, तो हम उस समय जिस समय उनको उस परिवार नियोजन का जो हम PPICD के द्वारा प्रमोट करवाना चाहते हैं वो उस समय में ये सरकारी संस्थाओं पर आ नहीं पाते, ये प्राइवेट में ही क्योंकि डिलीवरी हो रही है, तो इसी चीज़ के लिए इनको यहाँ आज बुलाया गया है ताकि इस प्रोग्राम को भी हम बेहतर उसमें लेके चलें और लोगों को कॉन्डम्स वगैरह के लिए भी लोग प्रमोट करें ताकि बेहतर जो ये आपसी संबंध से होने वाले रोग जो है उनके बारे में लोग जागरूक हों और
HIV है, हेपेटाइटिस बी है, VTRL वगैरह है, उनको भी हम यहाँ पे मेवात में कम कर सकें। कि जिला नूर में होम डिलीवरीज की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि एक समस्या भी है। होम डिलीवरी ज़्यादा होने से माँ जो गर्भवती माता है वो खतरे के उसमें आ जाती है और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। तो आज हमने और डॉक्टर मोनिका यादव जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम देख रही है वो मिलके एक प्रैक्टिशनर की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमने उनको ताकीद किया है कि आप जो भी डिलीवरीज करें उसके वजह जो भी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश है उसके तहत करें, ताकि वो कम से कम उनको इन्फेक्शन हो, कम से कम कोई खतरा नहीं उसमें आए, सी में आए और उनका जिंदगी खुशहाल हो। आज इसी सिलसिले में हमने उनको दिशा निर्देश जारी किए कि स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखना है, कि इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो अच्छी तरह से यूज़ कर, साफ़ सुथरे होने चाहिए, ऑटोक्लेव होने चाहिए, और साथ के साथ उनकी ANC जाँच भी जो करें, तो उनके दौरान जो भी उनकी जाँच है या जो भी उनको मेडिकेशन देनी है वो पूरी तरह से दें। तो इस सिलसिले में आज हमने सभी इनको एक ये दिशा निर्देश जारी किए। एक यहाँ पर हमने ये भी कहा है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो रिकॉर्ड है उसका डाटा अपडेट कराएं, क्योंकि हमें पता चला है कि ये जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है ये पता नहीं किस डर से ये वो हमारे यहाँ पर बताते नहीं, और जबकि वो सारी डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में हो रही है, जो कि इंस्टीट्यूशन डिलीवर करानी चाहिए, होनी चाहिए थी, इनको होम डिलीवरी कहा जाता है। तो हम इसमें आगे भी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई वैसी कार्रवाई नहीं, कार्रवाई अच्छी कार्रवाई करेंगे कि भाई आप हमें मिलकर सहयोग दें, ताकि ये इनको सही जगह दिखाया जा सके।